Hello, good morning all of you. Six in the medium science ki class aapka part 8 sharir mein gati iske andar aapka abhyas pura part aapka complete ho gaya, isko samjha diya. Abhyas ke prashn uttar aapke chal rahe hain, jisme aapke abhyas mein prashn uttar aapke kuch reh gaye the jise karate hain. Khali sthan aur aapka sahi galat ye to ho gaya tha. जो बाकी था उसमें आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपका चौथा था. मिलान करने वाला भी मैंने आपको समझा दिया था, मिलान करने वाले में भी आपका कंप्लीट हो गया था. तो इसमें अभ्यास प्रश्न उत्तर में आपका चौथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए में आपका उत्तर दीजिए, इसके अंदर आपका जो है खराब है प्रश्न, हाँ कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है. आपका जवाब क्या होगा कि कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है, तो आप क्या जवाब देंगे इसके अंदर. आपका जवाब होगा कि कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है. तो इसके लिए आपको कपाल वाले भाग को देखना पड़ेगा कि कपाल में कौन सी अस्थि होती है. अब इसके अंदर जैसे आपने देखा हिंज संधि है, द्रुराग्र संधि है, और आपके कंदुक खल्लिका संधि है, और कपाल की संधि के बारे में अगर बात करें तो कपाल संधि में आपको मेरुदंड खोपड़ी इसमें उंगलियों की अस्थियां हैं. आपसे पूछा है कि कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है. तो इनमें तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि कपाल में जो है, कपाल मतलब होता है आपका सिर, तो इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि कई पास की कपाल की जो है कौन सी अस्थियां गति करती हैं. तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो उपास्थी होती है यानी लचीली होती है वो आपकी इसमें गति करते हुए यहाँ पर दिखाई देती है. तो इसमें कपाल के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं. कपाल की अस्थियों के बारे में आपका दिया है या नहीं दिया है ये चीज आपकी, तो इसमें एक बार देख लें. इसमें पूछा है कि कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है, तो कपाल का मतलब तो सिर होता है, कौन सी अस्थि गति करती है. इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि
केवल कुछ ही अस्थियाँ जो होती हैं, जैसे आप नोट होते हैं जिसमें कह रहा है ऊपरी जबड़े को नाने पर क्या आकृति दिखाते, ऊपरी जबड़े कपाल के मध्य अचल संधि है, तो इसका आप जवाब दे सकते हैं कि कुछ ऐसी यानी संधियाँ होती हैं जैसे अचल संधि, जिसको आप यानी गति करते हुए नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि सिर के अस्थियों के बीच कुछ ऐसी संधियाँ होती हैं जो हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो हिल सकती हैं, उन्हें हम उनकी गति को हम नोट कर सकते हैं। तो यानी आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा कि कपाल एवं ऊपरी जबड़े के मध्य मध्य अचल संधि पाई जाती है, अचल संधि पाई जाती है। जो जो कपाल के ऊपरी जबड़े के मध्य अचल संधि पाई, कपाल में ऊपरी जबड़े के मध्य अचल संधि पाई जाती है, तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो गति कर सकती है। अस्थियाँ ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं तो ये गति नहीं कर सकती है, जो गति नहीं कर सकती है। कुछ संधियाँ हिल सकती हैं, और कुछ नहीं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका है नेक्स्ट प्रश्न ग। प्रश्न ग है आपका हमारी कुहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती, क्यों नहीं मुड़ सकती। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारी कुहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती, तो आपका जवाब क्या होगा? आप ये दे सकते हैं कि हमारी कुहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती, तो इसका जवाब आप देंगे इसमें आप लिख सकते हैं क्योंकि हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती,
एक ही लंबी अस्थि नहीं होगी। अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं, अतः इसे हम उस स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ ये अस्थियाँ मिलती हैं। इसे पीछे नहीं मोड़ सकते। तो इस तरीके से आपने देखा, आपका क्वेश्चन हो गया हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये अस्थियों को मोड़ा नहीं जा सकता, तब हम कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं। तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा पीछे की ओर क्यों नहीं मोड़ सकते। वैसे तो कोहनी को मोड़ लेते हैं, लेकिन आपको पूछा क्वेश्चन पीछे की ओर क्यों नहीं मोड़ सकते, तो आपको जवाब देना है क्योंकि जैसे आपका ये क्वेश्चन था कपाल की कौन सी अस्थि गति प्रदान करती है, तो आपका जवाब था कि कपाल एवं ऊपरी जबड़े के मध्य अचल संधि पाई जाती है जो गति नहीं कर सकती। कुछ संधियां हिल सकती हैं और कुछ नहीं, इसीलिए आपको ये जवाब देना उचित है। अब आपका है दूसरा क्वेश्चन, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। तो उसका जवाब है क्योंकि हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती, बल्कि अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसे हम उस स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां मिलती हैं, इसलिए इसे हम पीछे की ओर नहीं मोड़ पाते। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बेटा आपका ये प्रश्न उत्तर भी पाठ 8 कंप्लीट हो गया। अब पाठ आपका 9 चलेगा। ओके बाय।